नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। मार्केट्स के ऊपर नजर डालें तो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बाजार में जो कामकाज है वो काफी रेंज बाउंड ही है। शुरुआत में तेजी, फिर गिरावट, फिर दोबारा वापस में एक शार्प रिकवरी। करीब करीब 65 अंक ऊपर अब सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी में भी एक पुल बैक लोअर लेवल जरूर आता दिखाई पड़ा है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल बाइंग बाजार के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। छोटे और मझोले ने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। आज जो बाइंग है वो फाइनेंशियल शेयरों में लगातार आज के दिन भी बाइंग देखने को मिल रही है। टेलीकॉम आज प्रेशर में है, ऑयल एंड गैस स्पेस में भी कुछ प्रेशर है। NBFC शेयर आपके स्क्रीन पर है, करीब 2 से 2.5% तक का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर सभी शेयर, चाहे इंडिया बुल्स हो या फिर बजाज फिनसर्व जैसे शेयर हो, जहाँ पे कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। ऑटो में ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं और उस बीच ऑटो के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन आ रहा है। टाटा मोटर्स अच्छे नंबर से 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छे नंबर से तो 1% के आसपास की बढ़त है, लेकिन बजाज ऑटो खराब नंबर्स हैं तो करीब करीब 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। तो बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है वो नंबर्स के अकॉर्डिंगली ट्रू रिफ्लेक्शन वहां पर आ रहा है। टेलीकॉम स्पेस में अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग, आइडिया आपके सामने 2.5% नीचे, रिलायंस कम्युनिकेशन 1%, भारती बहुत बड़ी गिरावट कल देख चुका है तो आज फ्लैट कारोबार कर रहा है। TTML करीब 1.5% नीचे है, ऑन मोबाइल में करीब 1% गिरावट है, लेकिन छोटे शेयर जहां पर कंसोलिडेशन की खबरें हैं वहां पर कुछ तेजी है। चाहे GTL इंफ्रा ऐसी कंपनियों को देखें, आप कुछ तेजी देखने को मिल रही है। रियल स्टेट स्पेस में मिला जुला कामकाज है, DLF 0.5% ऊपर है, फिनिक्स 3% ऊपर है, गोदरेज 1% है, लेकिन ओबेरॉय रियल्टी आज वैल्यू बाइंग के आधार पर एक अच्छी बाइंग है, 5% के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। आप भी अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है, फटाफट से आपको तरीका बताते हैं। SMS के जरिए आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। SMS लिखने के लिए शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1-800-180-3545, ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। साथ ही आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसके जरिए भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। क्वेरी भेजने के लिए शेयर लिखिए, शेयर की क्वांटिटी लिखिए और भाव लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, गौरांग शाह हैं और साथ ही मानस जायसवाल हैं, जो कि आपके सभी सवालों के आज के सेशन में जवाब देंगे। आज के पहले दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से गौरव ने हमें कॉल किया है। नमस्कार गौरव, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। यस मैम, एक्चुअली मैंने सिंडिकेट बैंक के बाय किए थे 500 शेयर्स 81.50 पे। ऑल राइट, और आपका टाइम फ्रेम क्या है जिसके लिए आपने निवेश किया है? शॉर्ट टर्म के लिए आज से ही आपने यहाँ पर निवेश किया। चलिए ठीक है, 80.50 की इनकी खरीद है। मानस, आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहूंगी। सिंडिकेट बैंक फिलहाल 74.35 पर चलते हुए नजर आ रहा है, 0.5% तक की बढ़त अभी देखने को मिल रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इनके लिए? देखिए, बेहतर तब होता कि अगर ये अपना टाइम फ्रेम बढ़ा ले, अगर 6-8 months का टाइम फ्रेम रखे तो मैं समझता हूँ कि बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो मीडियम टर्म चार्ट्स है वहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला है। ज़्यादातर PSU बैंकिंग स्टॉक्स में स्टॉक्स हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि अगर 6-8 months का टाइम फ्रेम रखें तो कहीं ना कहीं 100 रुपये या तो 105 रुपये तक के लेवल सिंडिकेट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरी राय में टाइम फ्रेम बढ़ा ले तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्होंने ट्रेड किया है और उसी हिसाब से ही अपनी पोजिशन रखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 69 का स्टॉप लॉस रखें। मूव तब आएगा जब स्टॉक 79 के लेवल्स ब्रेक करेगा। अगर 79 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो वहां से 7-8 रुपए का अप मूव इसी मंथ में देखने को मिलेगा। जी, आपको राय सिंडिकेट बैंक को लेकर दी गई है, करीब करीब बने रह सकते हैं इसके अंदर। विपिन हमारे अगले दर्शक है, लखीमपुर से मौजूद है। विपिन जी नमस्कार। विपिन आप सुन पा रहे? चलिए, संपर्क नहीं पा, लेकिन HCC को लेकर सवाल था इनका। 23.70 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 2000 शेयर, एक रोबस गेन आ चुका है जिस तरह रिसेंटली इसमें मूव आया है। गौरांग, HCC हाई डेट का इशू है, लवासा के IPO को लेकर लगातार कंसर्न रहे हैं कंपनी के साथ, लेकिन आर्बिट्रेशन को लेकर जो फैसला है कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। 2 दिन में शेयर में एक अच्छी तेजी भी आई है, आपकी राय कहती है HCC को लेकर? देखिए सुमित, बहुत कम निवेशक या ट्रेडर्स होते हैं जिनको HCC जैसी कंपनी में मुनाफा मिलता है, और इन जनाब को 2000 शेयर के ऊपर जिस रूप में इनको मुनाफा मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये अपने आप में ही संतुष्ट होने चाहिए। अगर नज़रिया लंबी अवधि का है तो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी एक है NCC, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो जिक्र आपने किया है डेट को लेकर के, ये बहुत जल्द कंपनी की बैलेंस शीट पर से दूर नहीं होने वाला है, और एग्जीक्यूशन को लेकर के भी कुछ चिंताएं थी,
हमारी राय में NCC एक बेटर, एक अच्छा विकल्प है अगर नजरिया लंबी अवधि का है इनके पास। चलिए ठीक है, NCC में आप स्विच कर सकते हैं, ये गौरांग की सलाह है आपके लिए। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। रोहतक से बलवान अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार बलवान जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते मेरे पास मैडम दो शेयर है, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा। रिलायंस कैपिटल है मैडम 100 शेयर है 400 पे, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा मैडम 100 शेयर 425। 445 पे आपने खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज? 400 मैडम, 400। ऑलराइट, चलिए ठीक है, दोनों पर ही आपको राय दिलवा देते हैं। मानस आपसे सलाह लेना चाहेंगे। पहले इन्होंने रिलायंस कैपिटल पर निवेश किया हुआ है, 100 शेयर्स हैं इनके पास 400 रुपये के भाव पर, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का ये जिक्र कर रहे हैं जहां पर इन्होंने करीब 400 रुपये के आसपास में खरीदारी की हुई है। दोनों पर ही आपकी क्या राय होगी? देखिए, रिलायंस कैपिटल की जहाँ तक बात है, बहुत ही क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं अब, और ऐसा लगता है कि अगर टाइम फ्रेम 2 से 3 मंथ का हो तो स्टॉक कोशिश करेगा 620 से लेकर 630 की रेंज में आने के लिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहे और पूरी रैली को इन्जॉय करें। अब इनको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 494 के आसपास रखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा की जहाँ तक बात है, यहाँ पर एक साइडवेज मूव देखने को मिला है, और मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से करीब 3-4 मंथ हो गए स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 475 एक रेजिस्टेंस दिखता है, हालांकि ये ज़रूर है कि 400 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी 400 रुपये के आसपास ही आता है। तो मेरी राय में अगर ये बने रहना चाहते हैं तो एडवाइस करूँगा कि 394 का एक स्टिक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, बट पैटर्न को देख के लगता नहीं है कि कोई बड़ा अपमूव जल्द ही देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद ही इनको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जो कि ब्रेकआउट लेवल 475 के आसपास है। जी, तो आपको राय दी गई है RIIL को लेकर भी और रिलायंस कैपिटल को लेकर भी। इसके अलावा हमारे साथ अब सोनिया अरोड़ा है जो कि मुंबई से मौजूद है। सोनिया जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सोनिया, मेरे पास दर्पण इंडिया की 1500 शेयर्स है। ओके, 60 के रेट पर। जी, तो मुझे कितना लंबा होल्ड करना चाहिए प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत नीचे जा रहा है। ओके राधा, अब पिछले 2 दिन से कुछ बाइंग्स में जरूर देखने को मिल रही है, आज भी तेजी के साथ है, 5% ऊपर है। गौरांग, वेल्सपन इंडिया करीब 1500 शेयर हैं, 60 रुपये के भाव पर खरीदारी है। रिसेंटली न्यूज़ फ्लोज काफ़ी रहे, इसकी वजह से गिरावट भी आई ऊपरी स्तर से शेयर में, लेकिन अब आप क्या राय रखते हैं? इनकी खरीदारी बहुत ऊपरी स्तरों पर तो नहीं है, 60 रुपये के स्तरों पर खरीदारी है, क्या करें? तो सुमित सुप्रभात, कवरेज है हमारी, ये डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से, और जो भी कारण को लेकर के नकारात्मक खबरें उभर करके आई और जो भी करेक्शन हमने देखा है, बड़े तौर पर तो हमें लग रहा है कि अब यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफ़ी सीमित होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टारगेट JCPenney और बाकी अन्य जो भी बड़े ग्राहक हैं इनके, उनके तरफ से थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण आया है, कंपनी के तरफ से और भी स्पष्टीकरण आया है, जांच पड़ताल होगी वगैरह वगैरह। इनका पास अगर नज़रिया लंबी अवधि का है तो, क्योंकि इनकी खरीद 60 रुपये के आसपास है और आज मेरे ख्याल से करीबन 5% की ऊपरी सर्किट लगी हुई है और भाव करीबन 53 या 54 के आसपास है, तो अगर नज़रिया लंबी अवधि का है तो बने रहें, थोड़ी रिकवरी हो सकती है। और कंपनी की क्या क्या बयान आते हैं कंपनी के तरफ से इस वाद विवाद को लेकर के, उस पर भी नज़र बनाएं, यानी कि कंपनी की जो खबर आती है उस पर भी आप नज़र बना करके चले। इसमें दो राय नहीं है कि आने वाली जो नतीजे होंगे उसमें थोड़ी बहुत मायूसी होगी, तो ऊपर के तरफ के दायरे में जो भी आपके हिसाब से आपको मुनाफा मिलता है, चाहे वो फिर 70, 75, 80, 85 के आसपास हो, वो अगर आपको मिलता है और अगर आपको उतना ही चाहिए तो मुनाफा बांध करके उस स्तर पर निकल जाए। जी चलिए, यहाँ पर आपको होल्ड करने की ही सलाह दी गई है, ऊपरी तरफ के टारगेट्स भी बताए गए हैं जहाँ पर आप मुनाफा वसूली ऊपर में जाके कर सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं अंकलेश्वर से। अब अमरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार अमरीश, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर थे 100 रुपये ना भावना, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म बटे राखी के प्रॉफिट बुक करो जो सर। आपको राय दिलवा देते हैं, आपने अच्छा खासा मुनाफा भी यहाँ पर कमा लिया है अभी तक, 355 पर ये शेयर अभी चल रहा है और आज भी 2% तक की ऊपर की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मानस क्या सलाह देंगे, क्या इन स्तरों पर मुनाफा वसूली की आप इनको सलाह देंगे? देखिए, मुनाफा तब वसूल करें जब कोई रिवर्सल के साइन दिखे, बहुत ही क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, और अगर आप देखिए तो
दो तीन दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक एक नया हाई बना लेता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल टारगेट देना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजी इनको स्टॉप लॉस रिवाइज करने की रखनी चाहिए टाइम टू टाइम, वो ज़्यादा बेहतर वर्क करेगी कम्पेयर टू कोई टेक्निकल टारगेट देना। मैं समझता हूँ कि अब इनको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 339 के आसपास रखना चाहिए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर 339 के लेवल्स ब्रेक होंगे उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो शायद हमें एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिले। इसलिए बने रहें बट अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें 339 के नीचे। जी चलिए, तो आपको राय दी गई है पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर। वैसे भी अभी भी कुछ एक स्पाइक शेयर में आता दिखाई पड़ा, 1.25% ऊपर, 1.5-2% ऊपर आ रहे शेयर, अभी कामकाज कर रहा है। इस बीच एक अहम अपडेट जो रिसेंटली हुआ है वो है रिलायंस जियो की एंट्री। उस एंट्री के बाद से ही पूरे टेलीकॉम स्पेस के अंदर काफ़ी उथल पुथल है। दो दिन से लगातार आप देख पा रहे हैं पूरे ही टेलीकॉम स्पेस में प्रेशर है। स्पेशली आप भारती को देखें, आज कुछ बाइंग है लेकिन कल एक जोरदार बिकवाली थी। आइडिया लगातार दूसरे दिन जबकि इसमें तेज बिकवाली देखने को मिल रही है, 2.5% के आसपास गिरावट है। और रिलायंस कम्युनिकेशन भी से छूता नहीं है, वहाँ पर भी कुछ बिकवाली ही देखने को मिल रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे टेलीकॉम स्पेस के अंदर एक बड़ी मार्केट कैप इरोड होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मुकेश अंबानी के मुताबिक जियो की डेटा सर्विसेज 10 गुना सस्ती होगी। पूरी ही इस डेटा सर्विस का क्या एक्सरे है, हमने खाका तैयार किया है, आपको बताते हैं। लेकिन पहले मुकेश अंबानी का बयान क्या है वो आपको सुनवाते हैं। द करंट मार्केट प्रैक्टिस इज टू चार्ज फॉर डेटा अ बेस रेट ऑफ बिटवीन 4,000 and 10,000 रुपीज अ गीगाबिट। जियो विल हैव a base rate which is 1/10 of this. Our data plans go even further with an effective rate of data of only 5 paise per MB of 50 rupees a GB. And the more data you use, lower the rate. I believe that these are the absolute lowest data rates anywhere in the world. मुकेश अंबानी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि इस डेटा रेट जो होगा वो दुनिया में सबसे सस्ता होगा। अब क्या कंपैरिजन है या फिर कितना सही है, किस तरह की एक्सरे रिपोर्ट है, लेकिन अंचल भी मौजूद है मेरे साथ, अंचल तमाम डिटेल लेकर भी आए हैं। अंचल, बहुत सारे कन्फ्यूजन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो खड़े हो गए हैं कि किस तरह के आंकड़े होंगे, क्या ये जो कॉल होगी ये इंटरनेट बेस्ड होगी, और अगर इंटरनेट बेस्ड होगी तो क्या बिल नहीं आएगा, या आएगा तो क्या इंटरनेट का बिल आएगा, वॉइस कॉल्स का नहीं आएगा, कुछ डिटेल आपने निकाली है, क्या है वो? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको बता दें रिलायंस जियो जो नेटवर्क यूज़ कर रहा है उसे वोल्टे कहते हैं, VOLTE, बेसिकली वॉइस ओवर LTE नेटवर्क को यूज़ कर रहा है रिलायंस। इस नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि अनलाइक एयरटेल की तरह जो LTE नेटवर्क पे है लेकिन कॉलिंग के लिए 4G की जगह 3G 2G यूज़ करता है, रिलायंस 4G कॉन्स्टेंट 4G नेटवर्क पे काम काज करेगा, आप कॉलिंग भी 4G से कर सकते हैं। मुकेश अंबानी ने साफ तौर पे कहा था कि वॉइस कॉलिंग का पैसा नहीं लेंगे। हाँ, थोड़ा डेटा यूज़ होगा कॉलिंग के लिए, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं वॉइस कॉलिंग का पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रिलायंस जियो का पूरा फोकस इस समय है डेटा कंजम्पशन पे। और जैसे ही LTE लॉन्च होगा तो आपका डेटा कंजम्पशन समय देखिए एक्सपोनेंशियली स्पाइक कर जाएगा। अब मैं कुछ डेटा निकाला है उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, पहले डेटा यूसेज की बात करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करते अपने फ़ोन में, महीने के दौरान 1 GB का डेटा अगर आप 2G नेटवर्क पे यूज़ कर लेते हैं, अगर आप यहाँ से रिलायंस जियो पे स्विच करते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 3-4 GB का यूसेज आ जाएगा डेटा का एक महीने के अंदर। कारण ये आपकी जो बेसिक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, फेसबुक आप जब भी खोलते हैं वीडियोज़ नहीं अपडेट होते हैं, वीडियोज़ डाउनलोड बफरिंग दिखाता है, 4G LTE में ऐसा नहीं होता दिखेगा। रिलायंस जियो में आप फेसबुक अपना खोलेंगे और इमीडिएटली बिना बफर के आपके वीडियोस ओपन होते हुए दिखेंगे, तो वो डेटा कंजम्पशन बढ़ा देगा, आपके डे टू डे अपडेशन में डेटा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप 3G यूज़र है, 3 GB डेटा यूज़ करते हैं महीने के दौरान, तो आपका अब जो यूसेज है रिलायंस जियो पे वो 5-7 GB का होगा। और अगर आप हैवी डेटा यूज़र हैं, करीब 5 GB 3G डेटा यूज़ कर लेते हैं, तो अब रिलायंस जियो अगर आप चूज़ करते हैं तो आपका डेटा कंजम्पशन 9-11 GB तक जा सकता है। यही कारण है कि अगर इन आंकड़ों को देखकर आप इसके प्लान्स को कंपेयर करें तो दिक्कतें आती हैं। देखिए एयरटेल के केस में आपके पास बहुत सारे प्लान है, या आइडिया देखिए बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे एवेन्यूज दे रहे हैं, छोटे छोटे प्लान्स हैं, ज़्यादा यानी अगर एक्सेसिव यूज़र हैं तो बहुत बड़े प्लान्स भी हैं। जियो के केस में जो प्लान्स के बीच में जो जिसे हम इंटरवल कहते हैं वो बहुत बड़ा है।
आप अगर अभी 100 MB का जो सबसे मिनिमम डेटा प्लान जियो दे रहा है, 100 MB का डेटा प्लान लेते हैं, एग्जिस्टिंग रेट अगर देखें बाकी ऑपरेटर्स की करीब करीब 24 रुपये बैठती है और वैलिडिटी एक दिन की होती है, वहीं उसके कंपैरिजन में जियो से अगर आप यही 100 MB का प्लान लेते हैं तो 19 रुपये, डेफिनेटली यहाँ पे आप 5 रुपये बचा रहे हैं। लेकिन इसके बाद चीज़ें बदलती हुई दिख रही है, 1 GB का डेटा प्लान ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स जो है वो 51-52 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन जियो ने 50 रुपये महज 1 रुपये के डिफरेंशियल पे अनाउंस किया है, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे मुकेश अंबानी को। साथ ही 4 GB डेटा 559 का भी एग्जिस्टिंग भाव है, ऑलरेडी ऑपरेटर्स इस पर प्रोवाइड कर रहे हैं 4 GB डेटा। जियो के केस में आपको 4 GB डेटा मिलेगा प्लस 4 GB नाइट डेटा भी मिलेगा, वो उसका प्राइस रखा जा रहा है 499। 10 GB डेटा अगर आप लेते हैं, आप एक अच्छे मॉडरेट हेवी यूजर हैं, आप जो प्राइस डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है, 999 आपको ऑलरेडी आप पे कर रहे हैं, रिलायंस जियो भी आपको 999 में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने कहा, अगर आप ज्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे तो फायदा होगा, जो नॉर्मल या मीडियम डेटा यूजर्स है उनके लिए ऐसा कोई बड़ा फायदा नहीं है। तो एक कंपैरिजन आपके सामने, एग्जिस्टिंग जो डेटा प्लान्स आप यूज़ करते हैं ऑन एवरेज ज़्यादातर सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का, साथ साथ जो जियो का डेटा पैकेज उन्होंने दिया है, वो इन दोनों कंपैरिजन है। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो पैकेजेस हैं वो 4G पे कमिट किए जाते हैं, और अगर 4G नहीं हो पाता उन जगहों पर तो 3G पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन रिलायंस जियो कमिटमेंट है कि वो 4G पे ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। आगे भी हम इससे बातचीत करेंगे, गौरांग से इसका इस पर व्यू भी लेंगे। लेकिन एक और अहम खबर आ रही है, वो ये कि कोल आवंटन मामले में CBI ने अपनी जो रिपोर्ट है उसे फाइल कर दिया है, और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 14 सितंबर के आसपास है। असीम मौजूद भी है पूरी डिटेल के साथ। असीम, क्या खबर है, जो ये खबर आ रही है? कॉल ब्लॉक केस का ये मामला है, इसमें सुरेश सिंगल एक जो आरोपी है वो अप्रूवर बन चुके हैं। अप्रूवर बनने के बाद जो CBI की स्पेशल कोर्ट है उसने आदेश दिया था कि आप इनके बयान को रिकॉर्ड कीजिए और इनकी बयान की जांच कीजिए। उसके बयान की जांच करने के बाद CBI ने आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है, जांच रिपोर्ट जो है, कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है। करीबन 5000 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसके साथ सारे एनेक्सर जो डॉक्यूमेंट, सारे गवाहों के बयान जो है उनको जोड़ा गया है। CBI कोर्ट अब इस रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट के ऊपर CBI कोर्ट जो है संज्ञान लेगा। 14 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो होगी। ओके, असीम, में जो पूरा मामला है कौन से ब्लॉक को लेकर है? देखिए, अमरकोंडा मुर्गा दंडल कोल ब्लॉक का केस का ये मामला है। CBI ने इसमें अपनी चार्जशीट जो है फाइल की थी, इसमें नवीन जनरल समेत 14 अन्य आरोपी जो है वो बनाया गया था, और इसमें एक आरोपी जो है सुरेश सिंगल, जिन्होंने कहा था कि वो अप्रूवर बनना चाहते हैं, वो उसने पिटीशन जो है वो दायर की थी। पिटीशन दायर करने के बाद CBI कोर्ट ने उनको मंजूरी दी कि आप अप्रूवर जो है बन सकते हैं। CBI ने फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की, उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड किए, उनके बयान के आधार पर एक दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव जांच रिपोर्ट जो है वो बनाई, और उस जांच रिपोर्ट को आज उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है सबमिट कर दिया है। कोर्ट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है। अब इसके ऊपर कोर्ट जो है संज्ञान लेगा, और 14 सितंबर को अगले इस मामले की सुनवाई जो दोबारा होने जा रही है। ओके, चलिए सीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए।